तेरा कोठीर है आबास, सैयद नारियाल की कोर, तेरा कोठीर है आबास, सैयद नारियाल की कोर, तेरा कोठीर है आबास, सैयद नारियाल की कोर, तेरा कोठीर है आबास। दाता तू है, मैं हूँ सवाली, तू है शहंशाह, मैं हूँ भिखारी। दाता तू है, मैं हूँ सवाली, तू है शहंशाह, मैं हूँ भिखारी। सर झुका रहे, फैला रहे हाथ, तेरा कोठी रहे आबास। जश्न गौहर शाही ऐसे मनाए, मुनकिर सारे जल मर जाए। जश्न गौहर शाही ऐसे मनाए, मुनकिर सारे जल मर जाए। तेरे घर में मैं डालूं धमाल, धमाल, सैयद नारियाल की कोहर, तेरा कोठी रहे आबास, सैयद नारियाल की कोहर, तेरा कोठी रहे आबास। तेरे दवारे आए दीवाने, मांगे ना कुछ बस ये चाहे। तेरे दवारे आए दीवाने, मांगे ना कुछ बस ये चाहे। तेरी निस्बत रहे बरकरार, निस्बत रहे बरकरार, सैयद नारियाल की कोहर, तेरा कोठी रहे आबास, सैयद नारियाल की कोहर, तेरा कोठी रहे आबास। मैं खान की जग में मची है, तुझसे ही ये दुनिया सजी है। धूम मैं खान की जग में मची है, तुझसे ही ये दुनिया
दुनिया सजी है, तू ना आता ना आते बाहर। सैयद नारी आगे गोहर, तू ना आता ना आते बाहर। सैयद नारी आगे गोहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयद नारी आगे गोहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। उठना बैठना चलना चाहे जीना हो या मरना, मेरा उठना बैठना चलना चाहे जीना हो या मरना, हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयद नारी आगे गोहर, हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयद नारी आगे गोहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयद नारी आगे गोहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। मेरी जुबान पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरी जुबान पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरा दम चाहे निकल जाए आज, सैयद नारी आगे गोहर, मेरा दम चाहे जाए आज। सैयद नारी आगे गोहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयद नारी आगे गोहर। अल्लाह तो नक्शबंदी का लंदन है, कोने पर तो कोनी अल्लाह नक्श है। सस्पत जी सस्पत दो तीन चीजें तकलीफ है जी। रमजान से इसमें आया हूँ, जिक्र लिया से मुलाकात की थी। रोजाना 6 मरतबा कागज से अल्लाह लिखो, 6 थोड़े दिन लिखोगे ना तो अखा आ जाएगा, 66 कमर बन जाएगा। लिखना बंद करो, अखा सू फिर तवज्जो नाल दिल तो उतारो, वो सीधा अखा सू दिल पर चला जाएगा। उस लगने में नक्शबंदी हो गया, उस वेल दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दिल्ली तस्वीर है टिक टिक, जबान टक से बाहर टिक टिक, अंदर जाएगा अल्लाह वो टिक टिक तेज हो जाएगी। उस टिक टिक में अल्लाह मुलाहिकन अल्लाह इतना लहू इतना अल्लाह, वह टिक टिक का अल्लाह तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बार बार अल्लाह बार बार अल्लाह, दुध नूं लांदे रगड़ा मक्खन बनता, पानी का रगड़ा लगता ना बिजली बन जाती, अल्लाह 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 रगड़ा लगता नूर बन जाता। वह फिर नूर अंदर ही अंदर अंदर जाता, वो फिर काला जिथे आया से वह फिर सफेद हो जाता, उस एक दिन सूर्य तरह चमक के आता। यह है नक्शबंदी। अगर ऐसा बंदा नक्शबंदी आ गया तो सू के मजा, अस बैठे रहो उठे खड़े ना जी, मैं नहीं खड़ा होता थोड़ा। अगर पहले कहना सी मैं नक्शबंदी हाँ या कादरी हाँ, लोगों को पता है नक्श भी होगा, इस दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, इस बीच अल्लाह रोखड़े हो जाते हैं। हम तुम क्या मैं चश्ती नक्शबंदी कादरी सौदी खड़ा होंगे पता है, यह जी चीज़ है ना ये अल्लाह नहीं देखता, दुनिया देखती है। दुनिया निशान है मुसलमानों का, काफरों की इतनी बड़ी मजूसियों की छोटी छोटी मुसलमानों की एक मुश्त, यह निशान है। इन चीज़ों में अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह दिल नहीं देखता। यह जी जुबान है थोड़ी इस तलक अमल नाल है, ईमान नाल नहीं है। जुबान तलक अमल नाल ईमान नाल नहीं है। ईमान जिस नूर आता ईमान आता ना।
ईमान ना तलक दिल ना ले ना तो सूरत रात ही चलना सैराब ने कहा ईमान ले अल्लाह तला फरमाया नहीं सिर्फ इस्लाम लाए मोमन तब बनोगे जब नूर दिल ना दिल दिल च अल्लाह अल्लाह का नूर जाएगा ना तो तुम मोमन बनोगे ना तो जबान की सारी उम्र बाद 24 घंटे लगा रहा मोमन नहीं हो सकता मुसलमान है तो मुसलमान फिर के ना एक दूसरे के मुखालफ ने तो मोमन कद सुना नक्शबंदी ने कादरी ने क्या काफर या कादरी ने चश्ती ने क्या काफर कद सुने तो बाकी मुसलमान सुन रहे हैं काफर मुनाफिक कह रहे हैं ये सिलसिले अहल दिल आ लेने तो लोग इस सिलसिले शामिल हो के भी महरूम एक दोनों हो गया जिस तरह बैठे महफल थोड़े महफल बैठो तो देखो शक्ल पहला कामयाब करते हो कोई नहीं पता कौन कामयाब होंगे कौन नहीं होंगे जिसमें रब चाहता है ऐसी अगे उसे एजेंट बैठे हाँ दरखास्त अगर भेजनी है मंजूर करे या ना करे जिसकी कर लेंगे असं उसके नाल हो जाते हैं तो जिसकी नहीं करता उसको किनारा कर लेंगे तो कोशिश करो मंजूरी होंगी अपने आप में आजमाओ ठीक है चलो का ट्वीट लिया था बाबा सीर का बंद हो गया एक हफ्ते बाद फिर जारी होगा बड्डे है जी बड्डा है खत्म हो जाएगा चलो हाँ जी तुम जिक्रते हैं आपको अखा बंद करो करो अल्लाह 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 बस चलो हाँ जी जिक्र के आखिर मन अल्लाह 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 बस चलो हाँ जी कुछ अगर दो छोटे से मसले थे पहला इस तरह की आजकल कुछ इस तरह सिलसिला चल रहा है जिस्मानी तौर पर मकसद मुसलत कुछ जिस्म से महसूस होता है तो मिशन का काम करने में भी सुस्ती मकसद जो है ना होती है और दूसरा ये है कि तकरीबन 4-5 महीने पहले इस तरह का ख्वाब आया था कि मैं मकसद बड़ा शहवत जो है तंग किया करती थी तो आपकी तरफ तवज्जो करके कह दिया दिल में कि सरकारी तरफ का मसला है तो ख्वाब में मकसद यह लतीफाबाद के आसानी पे मकसद में आया इजाज़त अलग थी आपने इजाज़त दी मिलने की मैंने बताया किस तरह का सिलसिला आपने फरमाया था कि आप अपनी वालदा को मकसद ले आए बीच एक खातून आई तो हमने फरमाया उनकी 7 बहनें हैं तो इनमें से किसी भी एक से शादी आपका निकाह करा दें तो मैं मकसद हालात बहुत तंग थे इस वजह से मैं नहीं आ सका मगर फिर भी वो बात मुझे बातें ख्वाब लिख के देनी पड़ती हैं हम उनको देखते हैं तरीके से बाकी जहरी जो है उसको दिल का निकाल ठीक चलो हाँ जी ठीक शुक्रिया आपको तबीयत खराब हो गई थी अचानक हाँ जी आगे आ जाओ फिर गए थे कल रात को 11 बजे प्रोग्राम वगैरह उधर सीखा भी जाना था प्रोग्राम से बात भी हो गए परसों सब आएंगे मैंने सरकार से पंजाब चले जाएंगे वहाँ लोग जिक्र लेने वाले आ रहे हैं जी सरकार आ रहे हैं चलते हैं बड़ा करम सरकार आपको चलो हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर ने लाया ठीक हो जाएंगी फिर घर लाए इसके लिए पानी पिलाया फिर खराब कर सर ये है उनके लिए कुरान जी के प्रवासा का करना गुरु को बख्श सरकार एक और हादसा ये हुआ था 11 बजे मतलब वालदा का इंतकाल हुआ सुबह 4-5 बजे बहन हुई का बड़े बहन हुए थे जो हमारी बड़ी बहन थी उनका हाँ उनका ये बड़ा बेटा ये उनका इंतकाल दो डेथ हो गई उसी टाइम मतलब रात को 11 बजे वालदा का होगा सुबह का टाइम उनको गुसल दे रहे वालदा को तो बहन होता बड़ी बहन हमारे साथ अब उनके घर का इज्जत वगैरह क्या करेंगे करनी पड़ेगी उसी घर में भी घर में रहती थी
अपने इसी घर में किराए का होता ना, तुम ले आते अपना करेंगे। तो हम दो भाई घर का और जमीन है तीन जगह, तो घर अभी से लगता है या तो भाई को छोड़ दिया करेंगे वहाँ पे, बहन के पास कोई नहीं होगी। और घरेलू मसले अपने मसले में तुम किस मैदान से पूछ सकते हैं। सर वो अख्तर भाई में वो कह रहे थे हमारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, साथ में नहीं हुए अभी जमीन भी सलाम कर रहे वहाँ शायद लाए होंगे। सेंट्रल के लड़के हैं सारे, सेंट्रल जेल पे तो वही सारे इनको जिक्र कराने के लिए यूपी मोड़ दिया ना सरकार, ये सब भेजना होते वहाँ कराने वाला कोई नहीं है, काफी अच्छा हो गया जिक्र कराने के लिए जी। ये दो तीन इनके मतलब ये है एक ये नहीं जी मसल में सेंटर बड़ा गुस्से में देना, बड़े बड़ी उम्र का होता है नहीं, वो मजार पे मजार पे ठीक मस्जिद में आई हो सही हो सकें ठीक है, मजार में कर लें घरों में कर लें महफिलों में, यानी महफिलों में सेंटर मस्जिद में मसाजिद के लिए आदमी पढ़ा लिखा मसले वाला हो लाइसेंस बड़ा सड़ा हो ठीक वही चले तगड़ा लाइसेंस। अच्छा इनके साथ सर मसला एक ये दो तीन कराची में एक लड़का आमिर है उधर सेंट्रल के, वो सरकार इनकी जो पढ़ाई वगैरह जो पढ़ने के लिए कितने ऐसे सिलसिला चल रहा है मेरे से इन्होंने कहा। हाँ जी जाकर है लेकिन आता कभी कभी। अच्छा ये इन्होंने पहले भी मुझसे पाँच छः माह पहले जो है तस्करे किया था, मैंने कहा सरकार से जो ना आप पहले पूछो इनकी कभी मुलाकात हुई है आपसे जो ना इस सिलसिले में। जिक्र कब लिया? जिक्र तो बहुत अच्छा हो गया लिया। तो कितना अच्छा हुआ फिर जॉब कर रहे हो? कितना अच्छा हो गया पढ़ाई कर रहे हैं जो मुफ्त में पढ़ाई थी जो फिर पढ़ लिया टाइम कितना था अच्छा पहले दो तीन खत्म हो गया। अच्छा अब मसला ये है सर कि मंसूर भाई जो ना ये जहाँ जाके ना उनसे तस्दीक करवाते फिरते हैं कि जी उन्होंने जो ना यूँ पढ़ाई बताई। अच्छा वो भी जो ना तस्दीक कर देते हैं हाँ तुम इसको पढ़ते रहो, तो मेरे को जब पता लगा मैंने बोला भी आप सरकार से जो ना पता करें सरकार के समझ टीका नहीं काम आया ना तो फिर दवाइयाँ ले लें। जी जी बिल्कुल सही है टीके कमाना, अगर ये मिलता है तो फिर दवाइयों को जरूर टीको नहीं, फिर वक्त बेकार करने वाली बात है जी। ये अगर अल्लाह ला है ना तो सब कुछ इसी में पूरा कुरान इसी में सुभान, अगर ये नहीं है ना तो फिर पढ़ाई पे गुजारा करो जी, अगर ये है तो पढ़ाई जरूरी जरूरी नमाज रोजा करो। अब सर इनको पता ज्यादा शौक देना वो जो लगता है मतलब वो जो पढ़ाइयाँ करवाते हैं कि किसी बुजुर्ग की ज्यादा होगी कश के चक्कर में जो ना इनको लगा रखा है। नहीं मेरा मकसद है अगर कश अल्लाह से नहीं होता तो किसी पढ़ाई से नहीं होता। अच्छा जी जो काम अल्लाह से नहीं होता किसी काम से हो ही नहीं पढ़ाई से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सब सबके ऊपर कादर है इसमें अल्लाह हर चीज पे कादर है ना, ऐसे काम नहीं होता तो कुछ पढ़ाई से होगा रिजल्ट करके देख लो सरकार। लेकिन कश की तो हकीकत इतनी नहीं है अपनी लाइन में जो मगर तवज्जो बंदा कश पे करता है ये पढ़ाई हो पे तो जो आपने चीज बताई है ये अल्लाह की तरफ रुको अल्लाह से मोहब्बत हो बस जी जी पढ़ाइयों का मकाम नहीं है अल्लाह की मोहब्बत का मकाम है। अल्लाह तो मोहब्बत तब होगी जब तुम्हारे दिल में अल्लाह होगा तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी ना, तो तुम मोहब्बत उससे करोगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा। तो पढ़ाई यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते ना जी, अब इनको पढ़ाई करनी नहीं चाहिए ना, बस अल्लाह अल्लाह करें उससे मोहब्बत जोड़ें उससे रिश्ता जोड़ें। गर्मी महसूस होती है जिक्र में तो दूसरी पढ़ा करें जब देखें गर्मी लगती है दूसरी पढ़ें ठंडा कर देगा रोशनी भी दिखती है हरी और लाल रोशनी भी दिखती है रोशनी उनको छोड़ो वो कुछ रोशनी रोशनी जब जब अल्लाह ना मिले कुछ सरकार इनके जो जिक्र जो भी जारी नहीं हुआ कल जो है कोशिश करें। सरकार एक सवाल जो ना वो ये था किसी शख्स ने जो है किया था जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसमें रात अल्लाह ताला जो है हटा गया और उम्मतों को जो है ना रहमान या रहीम या करीम सिफाती जो नहीं समझी, तो लताइफ की जो जिक्र है जैसे अपने या हयू या कयूम इसमें मोहम्मद या वाहिद या हद सिफाती जिक्र भी जो है मतलब है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लताइफ थे क्या वो भी यही जिक्र ऐसे करते हैं सिफाती? सब नबियों के जो लताइफ ना उनके जिक्र यही है
سب نبیوں کے لطائف کے ذکر یہی ہیں, یا خی ہو یا جوں گائے گائے. اچھا, صرف ہمارے ان کا جو پہنے لگاتے ہیں نا, وہ جو ہو کر ہمارے ہو کا لگاتے ہیں, وہ یا رحمان سے لگاتے ہیں. یہ فرق ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ یا رحمان سے کنڈا راس لگاتے تھے, راس لگاتے تھے, وہ یا رحمان ہی آتا تھا. جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا ہو وہ کا لگاتے تھے, صرف وہ کا لگاتے تھے. اچھا, وہ سے یہ یہ سارے لتا وہ سے پیوند ہو جاتے تھے ذاتی نور میں, جس طرح پیوند درختوں میں کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, پوری تاثیر ہو جس نسل جو وہی نسل ہو جاتی ہے, وہ پیوند یا رحمانوں سے کرتے تھے. اچھا, وہ صرف میں چلے جاتے یہ ذات, اور یہ یا ہو سے پیوند کرتے تھے, یہ پیوند ذات میں چلے جاتے تھے. تم نے پتہ کیا اٹھ پٹنگ جواب دیا ہوگا؟ نہیں جی, میں نے کوئی جواب دیا نہیں سکا. میں نے کہا مجھے اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں, تو میں سرکار سے پوچھ کے جو ہے نا آپ کو اس کے جواب دوں گا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, کبھی سنے نہیں سرکار. اور یہی وہ پوچھ رہے تھے کہ مطلب لطائف جو ہے جیسے انبیاء کرام کے, ان سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا زیادہ بھی ہوتے ہیں؟ سب کے ایک ہوتا ہے, جتنا بھی بندہ ہوتا ہے نا, اگر نبی نہیں ہوتا بھی اس کو اتنے ہوتے ہیں. اچھا, عام آدمی کے, عام آدمی تو جو سلطان الفقر وغیرہ سے لطائف سب کے اتنے ہوتے ہیں. تو سر سلطان صاحب نے تو 14 لطائف کے بارے میں لکھا, وہ پھر کیا ہے؟ پھر وہ طفل نوری اگر آئے تو اچھا, پھر اس کے بھی آگے ساتھ ہوتے ہیں نا, ساتھ اس کے الگ, ساتھ تمہارے ہیں 14 ہو گئے. 14 مقصود سلطان الفقراء کے لیے یہ ہے, وہ جس کے لیے جس کو طفل نوری جس کو بھی ملا نا, وہ 14 میں گیا ساتھ اس کے ساتھ اس کے, تو جس میں طفل نوری نہیں ہے نا, تو پھر وہ ساتھ نہیں ہے. چاہے صفاتی طفل نوری ہو یا ذاتی خاص, صفاتی میں بھی ساتھ ہیں, ذاتی میں بھی ساتھ ہیں. اور جو سب توفیق الہی میں بھی اتنی, جو سب توفیق الہی میں بھی اتنی. وہ کہتے ہیں نا فقر کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. جی سر, یہ باتیں جب کرتا ہے کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سکا کہ فقر کیوں کفر کے نزدیک دے جاتا ہے. ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ تیسرے علم کی طرف اشارہ تھا؟ یہ تیسرے علم, یہی علم ان کو تھا جی. یہ تھوڑا پیچھے, اچھا وہ صرف اگر تمہیں بیان کرنا پڑے نا, صرف جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے نا, جی جی, ان کے ماننے والے نبی وہ یا رحمانوں سے اس کو پابند کرتے تھے. اچھا جی, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا قدوسوں سے پابند کرتے تھے. اچھا, داؤد علیہ السلام کے ماننے والے یا ودودوں سے, لیکن ان کے ذکر وہی ہیں, یا خیو یا کیوں واحد آئے, ذکر تمام کی وہی, صرف پیوند جو کرنا ہے وہ ہر نبی کے جو اسم عطا ہوا اس سے جو ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص جو ہے وہ ہو کا جو ہے یا ہو کا. تصور کے ساتھ ہو کے جمتے ہیں نا, اور ذکر یا ہو کا زبان کے ساتھ جمع کرنا یا ہو کا تصور سے جمتے. میں نے جواب دیے نہیں تھے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا جواب دوں اس کے, میرے بھی عقل حیران کر دی تھی. انہوں نے سوال یہ تھا کہ کل دبئی سے فون آیا جی, جی تو وہاں کسی مولوی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اقبال صدیق جو تمہاری تمہارے گا جی, جو مائی ہوا اور آدم علیہ السلام کے بچے تھے وہ تو بہن بھائی تھے نا, تو پھر شادی کیسے ہوئی؟ کہ ہم کو یہ سوال بن میں آ نہیں رہا جواب کیا دیں, وہ پتہ نہیں کس فرقے کا مولوی ہے, وہ کہتا ہم اس کو جواب آگے دو کہ وہ بہن بھائی کی شادی کیسے ہوتی ہے. تو پھر ان کو بتایا کہ کچھ بچے آدم علیہ السلام کی ران سے نکلتے تھے. اللہ, جس طرح ہمارے کنچ میں لوگ پانی پیتے ہیں نا, جراثیم, جی جی جراثیم ایک بڑا کیڑا بن جاتا ہے, تو یہاں ران سے نکلتے ہیں. اچھا, ابھی بھی رنگ گاچ کی طرف گندا پانی پیتے ہیں, تو کچھ بچے مئی ہوا کی ران سے نکلتے تھے. اس میں مادہ تولید نہیں تھا, مادہ تولید کی وجہ سے بہن بھائی ہے نا. ہاں جی جی سر, بالکل صحیح. تو جراثیم اس کا خون کا علیحدہ جراثیم, ان کے خون کا علیحدہ جراثیم, مادہ تولید نہیں ہے, اس سے پھر ان کی شادی ہوئی. اور باقی جو ویسے پیدا ہو رہے اس کے بعد جو ہوئے نا, وہ مادہ تولید سے ہوئے, وہ بہن بھائی, ان میں بہن بھائی کے, ان میں بہن بھائی, یہ بہن بھائی نہیں تھے. اللہ, اس طرح ہوئے بے شمار رات ہوئے جب بھی تک جو ہے یہاں ہی نہیں ہوئے,
तुम के वक्त कब आएगा खुलने का? अब तो थोड़ा सा पूछ रहा थोड़ा थोड़ा पूछ पूछने रहे कभी सदा चलता था ही बंद होती रहता है अपना काम भी देखते हैं बिल्कुल मोमन तो नहीं हो गया ना तो रानी में से भी होते थे और पेट से भी होते थे नहीं जो पेट से हो गए ना वो बहन भाई हुए रहने से हो गए ना वो बहन भाई में है जैसे सर अभी आपने तस्करा सुनाया अम्बिया अलैहिस्सलाम के तमाम सातों लताइफ के जिक्र भी यही है तो दीदार तक तो कोई नहीं पहुंचा है तो याहू के जिक्र जो चलते थे उनके तो उसको उनको क्या नहीं नहीं याहू नहीं चलते ही नहीं चलते नहीं थे याहू चलते ही नहीं थे छह लताइफ वाले थे नक्शबंदी जैसे छह लताइफ इस्तेमाल थे नक्शबंदी भी याहू में पहुँच अन्ना में पहुँचे ही ना क्योंकि नक्शबंदी को इस जगह दीदार भी हुआ फिर खाब के जरिए हुआ ना अच्छा क्योंकि अन्ना में पहुँचा ही नहीं तो कादरी अन्ना में पहुँचा ना जी इसको दीदार हुआ तो होशवास में हो गया ना सुभान आंखें बंद करी दीदार हो गया ना वो सिर्फ इसकी वजह से तो नक्शबंदी को सोना पड़ा तब दीदार हुआ क्योंकि वो छह मानते हैं लगता है जी जी लेकिन है सात वो इसको बोलते हैं सुल्तान और लश्कर बोलते हैं साथ में जो ना दिमाग वाले अन्ना तो मानते नहीं मखलूक नहीं मानते मखलूक नहीं मानते सदा के ये थोड़े से और खोलनी पड़ेगी बात की जैसे गौसे जमा है ये कुतुब है अब्दाल है 360 का जो हमला है ये तो तजल्ली में तो है ही नहीं अगर वलायत में आप फरमाते ना कि ये बगैर तजल्ली के वली तो फिर इनको वली कैसे माना जा सकता अगर तजल्ली नहीं है मतलब ये मर्तबा है ना अल्लाह की तरफ से जी एक तजल्ली होती है एक मर्तबा होता है अल्लाह की तरफ से अच्छा तजल्ली उसके खास दोस्तों के लिए है अच्छा तजल्ली के बाद फिर हलाना उसका अच्छा वो उसके खास खास के लिए क्योंकि अलाम के बाद रही होती है अच्छा तो बंदी हो गई नबी के लिए होती है जी तो कुछ जो है वो मर्तबे वाले मर्तबे का लिख के दे दिया ना अच्छा वो लिख के दे दिया इसको इंस्पेक्टर लगा दो बन गया उसके इख्तियार मिल गया ना जी ठीक लेकिन वो सदर से बातचीत तो नहीं है ना ये जो नासूती वाली होती है ना ये डायरेक्ट नहीं है ये मर्तबे वाले हैं क्या फर्क है ये भी गौस वो भी गौस जी जी उधर भी रहता इनका उधर नहीं है सिलसिला सिलसिला जैसे जिक्र कुर्बानी के बाद जब तक कि तजल्ली ना पड़े अल्लाह ताला कि आदमी वली नहीं बनता तो फिर ये जो गौस कुतुब अब्दाल जैसे ये फिर इनके सिलसिले कैसे होते हैं इनको कहीं और से कोई और तजल्ली पड़ती है सिफाती होता है अच्छा सिफाती मीनार नूर में लिखे ना आपने कि लतीफा कल पर अगर तजल्ली पड़ेगी तो आदम अलैहिस्सलाम के कदम पे और रूह पे पड़ेगी तो फलाने नबी के कदम पे तो इनके सिलसिला सिफत के साथ है सिफात के साथ सिफाती अच्छा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जैसे अगर वो भी इन मराहिल से गुजरेंगे ये जितने हैं कोई भी बच्चा अम्मे में पहुंचेगा लक्षार बनने के लिए जी तो पहली दूसरी पढ़नी पड़ेगा ना हाँ ये पढ़नी तो पड़ेगी डायरेक्ट लक्षार बन जाएगा डायरेक्ट तो नहीं बनेगा सबको इन मराहिल से गुजरना पड़ता ना ताकि गौस पाक को भी गुजरना पड़ा ना जी हाले आप माधे जात वली थे जी तो माधे जात वली थे फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी वो इन मराहिल के लिए जंगलों में गए ना महल से गुजरे उनमें कोई खास सरकार चीज होगी आम आदमी से अलग हटके कोई किसमें हजरत इमाम मतलब अब हर दुनिया के हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं इमाम मेहदी हूँ हर आदमी की ख्वाहिश है जी जी ये ख्वाहिश क्यों नहीं कि मैं ईसा हूँ हाँ जी ये किसी को भी नहीं सर हमें बता दो ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे जी जी इमाम मेहदी भी आएंगे जी
تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں عیسیٰ بنوں, یہ کہتے ہیں میں امام مہدی بنوں. لوگوں نے دعوے بھی کیے عیسیٰ کی, نہیں کہے امام مہدی. امام مہدی صرف مرزا غلام احمد نے کہا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں مہدی بھی ہوں, دونوں چیزیں. دونوں چیزیں. اب امام مہدی جس کے لیے حضور پاک روئے بھی, حضرت ابو ذر غفاری کی جی لمبی حدیث, کہ میں ان کو لیے روتا ہوں. اچھا یہ فقط ان کے لیے, صرف ان کے لیے. اللہ وہاں جس کے لیے انہوں نے جن کے لیے کر دیا, تھوڑا سا فرق یہ فرق. اچھا جن کے مقصد ہے جس کے لیے, جس کو ایک جون کاٹے جی تو 70 عمرے کا ثواب ملے. ہاں جی ویسا ہے نا, بالکل ایسے جی. کئی حجوں کا ثواب, حجوں کا ثواب ملے جون کاٹنے سے جی. اللہ تو پھر مطلب وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ یہ سزار, وہ ایک نیاری چیز ہے جی. اللہ آج تک ایسا ہوا نہیں جیسا وہ ہوگا امام مہدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک کسی نبی کا پیر نہیں ہوا جی سزار. ہوا نہیں ہوا امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہوا. اللہ وہ سے بیعت ہوں گے تو نیارا کام ہے نا. اسی کی کرامت بھی نیاری ہوگی, سبحان اللہ. تو اس کی تعلیم بھی نیاری ہوگی. اللہ اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ہر مذہب اور فرقہ اس کو تسلیم کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی جھٹلا نہیں سکے گا ان کی تعلیمات سے. ہاں کوئی نہیں. ابتدام میں تو مخالفت ان کی بھی ہوگی یا نہیں؟ سنا ہے کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت جو ہے نا مولوی کریں گے, اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے لگ گئی. تو اگر امام مہدی ہے, اب کوئی بھی دعویٰ کرتا نا کتنا کھڑا ہو چکا ہے نا امام مہدی کا, اس سے پہلے بھی. اب کوئی بھی کہتا میں مہدی, پولیس کے پیچھے لگ جاتی ہے نا کہ نیا فتنہ کھڑا کر دے گا. یہ ایسی کرامت لکھا انوکھی جی جی. اگر وہاں سے بچ گیا نا جی تو پھر تمہارے اسلامی ممالک جو ہے نا جی وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ان کو لگنے کی کیا ضرورت؟ ان کو نجومی نے یہ بتایا, حدیث میں بھی آیا کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا. وہ کہہ رہے جہاں بھی پتہ لگ جائے امام مہدی اس کو قتل کر دو تاکہ یہ سلطنت ہماری نہ چھینے. سارے اپنے چکر میں لگے اس انمیل سے گزرنا پڑے گا نا اس کو. وہ بھی پریشان بھی ہو جائیں گے یہ سارے حالات دیکھ کے. اللہ مدد بھی کرے گا نا, جو بنائے گا وہ مدد کرنا بھی جانتا ہے. ان کی سب ابتدا جنہوں کو کیسے پتہ لگی پبلک کے اندر جو آیا ہوں گے ایک دم؟ کوئی نہیں, بس اس سے حضور پاک کو کس نے پہچانا, آخر میں پہچانا. جی جی. اگر حضور پاک کو پہلے پہچان جاتے تھے کیوں بکریاں لوگ رہتے چرانے کے لیے؟ جی اس طرح پہچانا گیا. اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے کہا یہ سچے ہیں جی, یہ امین ہے, پھر امین نام ہوا جی, صادق ہوا, سچے ہیں. نبی تو کسی نے کہا نا جی جی. پھر آخر میں جا کر نا بہت اتری سب نے تسلیم کیا نا. صحیح بات. یہ سلسلہ امام علیہ السلام کا ہوگا نا. سر ان کے سلسلہ آنے کے بعد دنیا میں جتنے باقی سلسلے سب ختم کر دیے جائیں گے. مہدی سلسلہ بس سلسلہ مہدی سارے سلسلے اسی میں ضم ہو جائیں گے. حتیٰ کہ سب مذہب جو ہے نا وہ بھی اسی میں ضم ہو جائیں گے. سارے جتنے جتنے مذہب ہیں عیسائی ہندو سکھ سب اسی میں ضم ہو جائیں گے. اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ہر مذہب والا خوش خوشی اس کو تسلیم کر لے گا, ہر مذہب والا. کیونکہ ابھی مسلمانوں میں کیسے وہ بریلوی سنی کو نہیں مانتا, وہ جو سنی ہے دوسرا وہ اس کو نہیں مانتا. جی جی جی. مسلمانوں میں بہتر کرتے ہیں نا جی, تو یہ آپس میں نہیں نپٹ سکتے ہیں, سکھوں سے کیا نپٹیں گے؟ تو ان کا یہ ہوگا وہ سارے عالم کے لیے ہوں گے نا. ان کا عیسائی بھی انتظار کر رہا ہے, یہودی بھی انتظار کر رہا ہے, اللہ حتیٰ کہ سکھ بھی انتظار کر رہا ہے کوئی ایسا مرد مجاہد آئے گا. تو یہ جو انگریزوں کی پیشن گوئی ہے جی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو. اچھا مسلم باقی کہتے ہیں ہم میں سے ہوگا, ہم میں سے ہوگا. اسے انگریزوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ہوگا. جب مسلمان انگریزوں نے کہا مسلمانوں میں سے ہوگا تو پھر شیعہ مسلمان شیعہ جو ایران والے جی جی انہوں نے پھر یوم ولادت منایا. اچھا تو پیدا تو ہو چکا ہے پتہ نہیں کہاں ہے, چلو کہیں بھی ہے اس کا یوم ولادت منا رہا ہے. ان کی دیکھا دیکھی پاکستان میں منا رہے ہیں شیعہ کا جی. لیکن اتنے سب مذاہب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں, علم نجوم وہ بھی کہہ رہا ہے,
جو بھی علم ہے علم جفر وہ بھی کہہ رہا ہے علم سارے کہہ رہے ہیں سب علم ہی ہے بس اچانک افزا ہونے کی بات ہے تو جو زہری ہوں گے تو کوئی زبردست طاقت دے گا نا اللہ تعالیٰ جی جی ورنہ کون مانے گا امام مہدی جی سر لیکن داڑھیوں کے حساب سے بڑی بڑی داڑھی والے ہیں جو امام مہدی کے دعوے کرے بیٹھے ہیں بڑے بڑے موٹے چوڑے ہیں یہاں گرین شیخ آئے تھے اچھا جی انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا انہوں نے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو پھر بیوی تو جیسے اس کو چھوڑ دیا چونکہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اب تو میرے ساتھ میرا تیرا تعلق نہیں ہے اور بیوی بھی ساتھ آئی تھیں اچھا جی تو اس کو طلاق دے دیا بیوی کو انگلینڈ کی تھی انگلینڈ کی تھی نا یہاں آئے تھے شہناز نہیں تھی شہناز اس کو طلاق دے دی نا اس نے سنا ہے تو اس نے کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اچھا اس لیے میرا تعلق اب پھر میرا تعلق نہیں وہ تو باقاعدہ اسے شادی کرنے کی تھی اس نے شہناز واجد نے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ وہ فلسطین کا تھا جی 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 اس کو وہاں ویزا نہیں لگ رہا تھا شادی کے بغیر اچھا مشکل ویزا نہیں لگ رہا تھا شادی کرنی پڑتی تھی اچھا پھر جو شادی وادی کر لی تو پھر وہ چھوڑ دیا اس کو پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے جی نہیں کسی علاقے کے سمندری کے علاقے کے وہ بھی یہاں آئے تھے کیا نام تھا جی میجر صاحب ڈاکٹر خالد چودھری خالد چودھری اچھا وہ گئے بڑے بازار میں کہا لوگو مجھے آج سے امام مہدی پڑھو کو بھی دیکھو اچھا ابھی میں گاؤں میں گیا تو وہاں بسالی والے لے آئے تھے ایک آدمی کو یہ کہنا ہے کہ امام مہدی ہے پولیس کے پیچھے لگی وہ بسالی والے کون ہے کیا نام ہے ساجد والے ساجد والے وہ لے کے آئے تھے یہ چار امام مہدی میں دیکھ چکا ہوں اب جو امام مہدی آئے گا جی اگر کہے گا امام مہدی تم کیسے پہچانوں گے چار تو پہلے موجود اب باقی ملکوں پر کتنے ہوں چار چار ہوں گے تو کتنے ہوں گے لیکن یہ چار تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں یہ تو آپ ان میں سے جو زیادہ پرسنلٹی ہے نا وہ فلسطین والے کی ہے جی کیونکہ وہ موٹا بھی کافی ہے اور داڑھی واڑی بھی اچھی ہے اس کے بعد جو پرسنلٹی ہے وہ شیخ ناظم کی ہے پھر پرسنلٹی وہ میجر صاحب کی ہے ڈاکٹر صاحب کی ہے مطلب یہ جو بسالی سے آئے تھے اس کی خاص پرسنلٹی نہیں تھی اس کی داڑھی واڑی کو یہ بچا رہا تھا اب بچاؤ بتاؤ پھر امام مہدی کیسے پہچانا ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کو خاص ہی کرامت دے گا اگر تم دیکھو گے اس کی تسبیح دیکھو گے داڑھی دیکھو پر نہیں دیکھو گے نا جی جی لیکن ایک ایسی اس کی کرامت دکھائی گئی ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ یہی مان رہا ہے ورنہ مانے گا کوئی نہیں امام مہدی بھی اللہ خود آ جائے تب اس کو نہیں مانے گا امام مہدی کیا حقیقت ہے اللہ یہاں آ جائے نا مانو گے کیا ثبوت ہے تو اللہ ثبوت مانگو گے نا اسی طرح امام مہدی کو ثبوت چاہیے نا تو ایسا ثبوت ہوگا نا جو کسی کے پاس کرامت نہیں ہوگی تو اسی کے لیے یہ قافلہ تیار کیا جا رہا ہے نا سبحان اللہ سر ابھی اس قافلے کا فنکشن کیا ہوگا آگے چل کے فنکشن بس لڑائی جھگڑے ہوں گے بس زیادہ مولوی مولویوں سے ہوں گے اچھا تمہیں مولوی ہے نا برا لگے گا ابھی ہم نے پوچھا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھ بولتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے آپ ان کے کام ہم دیکھیں یہ تو کرکٹیں کھیل رہے ہوتے ہیں جی اور سنیما میں گھسے ہوتے ہیں وی سی آر دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں آپ نہیں مانیں گے نا تو پھر ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا واقعی اسی بات کے اوپر سمندری بابا ہماری مخالفت کرتے تھے اچھا وہ کہتے تھے سرخی پاؤڈر لگے ہوئے کہتے ہمارے کلب چلتے وہ آتی ہیں سرخی پاؤڈر لگے ہوئے کہتے ہمارے کلب چلتے تو پھر ہم جب بار بار ولیوں نے اس طرح کہا نا پھر ہم کو بھی ہوئی کہ واقعی یہ کلب چلنے تو نہیں چاہیے نا بھائی پھر یہ کلب کیوں چلتے کلب چلنے تو نہیں چاہیے بالکل نیکوکار ہوں سارے شریعت کے احکام پورے کریں تو پھر کلب کی کلب پھر آخر کی بات ہے نا پھر یہ کلب میں پہنچے نا تو یہ تو نمازوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمارے کلب چلتے ہیں پھر وہ بھی یہ بات بول رہے کہ نہیں گوش ہے بچوں کو جو ہے ذکر کلب نہیں دینا چاہیے بڑی عمر والوں کو دینا چاہیے تو بیچارے والوں کو
مطلب ہم کو بھی اس کی تحقیق ہوئی آخر وجہ کی تو پوچھا کہ یہ صرف یہ جو رایت ہے نا صرف امام مہدی کے لیے ان کا ساتھ دینے والے چاہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جن تم کو سمجھتے ہو بزرگ ہیں بڑے بڑے داڑیوں والے ہیں یہ تم کا ساتھ تھوڑی دیں گے کہ وہ کیسے جب کوئی بھی بہت بڑا عابد ہوگا جی بڑے بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو جب وہ دل سے خالی ہوگا جی تو دل میں شیطان آ جائے گا نا اب یہ جو مولوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں شیطان لڑاتا ہے نا جی جی قرآن بھی ایک جی کلمہ بھی ایک عقیدہ بھی ایک جی پھر کیوں لڑتے ہو آپس میں جی شیطان لڑاتا ہے نا جی سر آپ جب سنیں گے دجال آ گیا جی چونکہ اپنے آپ کو یہ بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا پھر کہیں گے ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے لوگ نہیں جاؤ جو جاتا ادھر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تھوڑی اس کا اثر ہوگا پھر دجال کے سامنے جائیں گے نا ادھر بڑا شیطان ہوگا نا اچھا ان کے دل میں چھوٹا شیطان ہے نا جی یہ شیطان اس کا متی ہو جائے گا نا بتاؤ نمازیں کدھر گئیں ختم ہو گئی نا جی اب یہ جن کو تم سمجھتے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں وی سی آر بھی دیکھتے ہیں یہ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اللہ اللہ سے تھوڑا بہت نور آئے گا رہنا اگر نور کی کرن بھی آ گئی اللہ آئے گی ضرور جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے مال ان کے خراب ہو گئے لیکن دل میں تو نور آ گیا نا تھوڑا بہت انشاءاللہ اب یہ جب جائیں گے امام مہدی کے سامنے تو وہاں نور نور کا گولا یہاں بھی نور اس کو اپنا سردار مان لیں اللہ بتاؤ اس نمازی سے یہ بہتر ہوئے یہ بہتر یہی وجہ ہے کہ چور ڈاکو جو ہے نا تمہارے ذاکر قلبی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اہل دل ہیں یہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ مولوی لوگ لڑنے والے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ 50,000 علماء کے ایک حدیث میں 70,000 کا ایک میں 50,000 یہ دجال کے ہاتھوں جا کے بیٹھ ہوتے ہیں جی سر یہی وجہ ہے وہ من جو نہ ہونے کی وجہ من نہ ہونے لیکن ان میں سے جو من والا ہوگا تو وہ مہمانوں کے ساتھ ہوگا جو من والا نہیں ہوگا وہ ادھر ہوگا اب تم ابھی بھی تجربہ کر لو اگر وہاں کوئی چرسی بیٹھا ہوا ہے چرسی ہو واقف نہیں ہو لیکن تمہاری نظر بار بار اس کے اوپر اٹھے گی اور تمہیں اس کے اوپر پیار آئے گا کیونکہ دونوں ہم جنس ہیں نا آج دنیا میں جو امام تشریف لائیں گے کیا ہم شکل ہیں ایسا یہ سننے میں آئے گا ہم شکل ہیں اتنا سننے میں آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ اوپر اوپر سے ہوں گے ہم شکل ہیں نیچے سے نہیں اچھا آج کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نیچے سے گردن سے نیچے نہیں ان کے ہم شکل ہیں اوپر سے نہیں امام علیہ السلام پاؤں سے لے کے سر تک ان کے ہم شکل یہ سننے میں آیا اور حقیقت بھی ہے ایک چھوٹی سی بات اور ہے آپ نے کراچی میں مختلف فرمایا تھا کہ حضور غوث پاک کے پاس اس میں ذاتی کنجی ہے جب امام مہدی آئیں گے تو وہ انہیں دے دی جائے گی پھر ایک شخص آئے تھے وہ بہت زیادہ مقصد بحث کر رہے تھے ذکر قلب کے لیے دلیلیں مانگ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ ذات لے لو نہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح دیا ہے نہ آئندہ کوئی دے گا تو آپ نے کہا دے گا تو وہ مقصد ذہن میں بات سمجھ نہیں آئی جبکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور انہوں نے دینا ہے کیا اگر وہ ذکر دیں گے یا تم کو ڈائریکٹ ہی ملائیں گے کب لوگ کیا کریں گے کیونکہ اس میں اہل نظر وہ کیوں پہنچ ہوگی تو وہ کچھ اور ہی کریں گے نا وہ تو سلطان صاحب کی طرح اوپر دیکھ بس دیکھتے ہوئے ذکر کی ضرورت نہیں یہ ذکر فکر نماز یہ وسیلے ہیں تو ان کے بغیر وہ مل جائے تو پھر کیا ضرورت ہے جس کو عبد البشر بولتے ہیں کس کو سر یہ نماز روزہ ہے اچھا یہ ذکر بھی عبد البشر نہیں ہے یہ ذکر بھی عبد البشر وہ نظر البشر نظر البشر انہیں نظر یہ نبی جو ہے نا نظروں سے پائی ہوتی ہے اچھا نبی کہاں ذکر کرتے ہیں ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کہاں جانتے تھے ذکر کرنا جی وہ تو گئے جنگل میں گئے آگ ڈھونڈنے گئے اللہ مل گیا سبحان اللہ نظر البشر ہوتا ہے نا جی سر عبد البشر بھی نظر البشر میں چلا جاتا ہے
हाँ जा सकता है, लेकिन नजर बशर डायरेक्ट हो जाता है, अब्दुल बशर शायद वहाँ से पहुँचे या ना पहुँचे। अच्छा अच्छा, तब मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे, अब तो वो एक नबी हुए नजर बशर जी, तो वो जो ईसा अलैहिस्सलाम का पीर होगा क्या क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, आएंगे तो कुछ पता चलेगा ना। अच्छा सरकार, वो फिर बैत करेंगे, जारी बैत हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब ये सलाम उनसे बैत होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे लोग, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को दीदार की बहुत ख्वाहिश थी। अच्छा अच्छा, एक जगह ठहरते नहीं थे, भागते रहते थे, कहीं कहीं मिल जाए जंगल में भागते रहते थे, दीदार की ख्वाहिश थी उनको, आते आवाज आती थी इनको। अच्छा, लेकिन दीदार नहीं होता था, तो अल्लाह भी इनको बहुत चाहता था। सुभान अल्लाह, ने कहा था कि चूंकि दीदार ये जो तुम लोगों के लिए नहीं है ना, ये मेरे कभी आएगा उसके लिए, आप उसकी उम्मत दीदार करेंगे। फिर उन्होंने कहा था अल्लाह मुझे इनकी उम्मत में से उठाना, फिर इनको उठा लिया गया ऊपर आसमानों पर, आप इंतजार हो रहा है मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर उनको नीचे भेजा जाएगा, फिर वो उनसे कुछ जिक्र लेंगे या क्या करेंगे पता नहीं, या नजर से पहचाएंगे, फिर वो इस मिजाज के नूर, इस मिजाज के नूर से दीदार है, क्योंकि जब तुम जाती हो तुम जात के सामने खड़े हो सकते हो ना। जी जी, उनमें खा नजरों में नूर आए इस मिजाज का, या कलमों किसी जरिए इस मिजाज का नूर आएगा, फिर वो अल्लाह को देख सकेंगे। सर ये भी सुना कि वो मीनार पे किसी पुत्र के किसी मस्जिद के, ये तो मुख्तलिफ दलीलें हैं, जब वलायत खत्म होगी तो दुनिया को रहने का हक ही कोई नहीं, फिर क्या मतलब, अगर अगर दुनिया है ना तो वलियों के सर, और जिस दिन वलायत खत्म होगी बस दुनिया खत्म। हाँ, वो लोग बोलते हैं जी नेक आदमी की वजह से जो ना दुनिया सलामत है, असल में वलियों की वजह से दुनिया सलामत है। नहीं, नेक उसको होता है जो सरापा नेक हो, उसको नेक बोलते हैं। जी जी जी, अगर तुम बहुत नेकियां करते हो तुम्हारे अमाल नेक है ना, तुम्हारे अंदर तो नेक नहीं है ना, अंदर नेक नहीं है। सही, जब तुम्हारा अंदर नेक हो जाएगा ना तब अब तुम नमाजें पढ़े अंदर से नेक थोड़ी हो, तुम जी जी अंदर मंसूबे बनाते हो। हाँ जी, ये है ना, नमाजें पढ़ते हो अंदर मंसूबे बनाते हो, तुम्हारे में तकब्बुर है, इर्ष है, बहुत बहुत है, तुम नेक हो जी, तुम बाहर से जो नेक हो ना दुनिया वालों के लिए अल्लाह की नजरों में तुम अल्लाह के नजदीक, जब तुम्हारा अंदर ये अर्श इस बहुत बुखल वाला निकल जाएगा, अंदर की मखलूकें तुम्हारी नेक हो जाएंगी, वो जो तुम्हारे अंदर शैतान है वो नेक हो जाएगा, फिर तुम कहेंगे ये नेक है। सुभान, तो जब तक वो नेक नहीं होता इंसान नेक नहीं होता, भले कुछ भी करता रहे, काबिल जाहिर है बस, जब तक वो नेक नहीं होता उस वक्त तक तुम्हारी इबादत को कोई एतबार नहीं। हो सकता सारी उम्र बातें करते हो बिलियम बौर की तरह दौलख में चले जाओ। आपके ये इशादत मुबारक की रोशनी में कुछ ऐसा महसूस होता है कि जब सूरह काना जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे, क्या उस दूसरी तरफ इमाम मेहदी का तशरीफ लाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बैत करना, ये ऐसा तरीका असल जो हो अब दुनिया में इमाम मेहदी की शक्ल में तशरीफ लाएंगे, असर गया मैंने समझ, यानी अल्लाह की ज़ात को सरदार जो हजूर सल्लम के मेराज में तशरीफ ले गए हैं, उसके बाद दुनिया में महसूस करिए रोशन में ऐसे महसूस जैसे उनका जुस्सा दुनिया में आया बाद में, उसके बाद इमाम मेहदी का दुनिया में आना और अगर इस अलैहि सलाम का बैत करना इमाम मेहदी के हाथ में, तो महसूस ऐसा था जैसे हजूर सल्लम की जो ज़ात एकदस है वो असर रूह में आ जाएगी, इमाम मेहदी के रूह में अब आएगी दुनिया में दोबारा वो तो हजूर पाक के ही जैसे मेहदी में होंगे ना, अल्लाह रूह नहीं होंगे। अच्छा जी, जिससे अब तुम कहते हैं फनाफिल शेख जी, शेख का कोई जो रूह नहीं, रूह नहीं, रूह एक ही जिस्म के लिए है, ठीक है, ये जुसे एक जिस्म के लिए मखसूस नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये भी सुना होगा कि किसी बुजुर्ग की रूह किसी बंदे में जी आती है, वो बोलता है जी, और रूह नहीं आती वो जुस्सा होता है, जुस्सा वो जो जो बाकी मखलूक है उनको जुस्से बोलते हैं ना जी, फनाफिल शेख, शेख का कोई जुसा तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो गया
उसको बोलते हैं फनाफिल शेख, तुम चलोगे शेख की तरफ, बातें शेख की तरफ कहेंगे ये तो शेख की तरह चलता फिरता है। फिर फना फिर रसूल, फिर हजूर पाक के जब जिससे उसके जिस्म में आ जाते हैं उसको फना फना कहते हैं। उस वक्त बातरी मखलूक कहती है कि ये सानी रसूल है, ये फना रसूल का मकाम है। फिर अल्लाह ताला के कई जिससे जब दाखिल हो जाए उसको फना फल्ला कहते हैं ना, तब भी वो कहता ना कि मैं इस वक्त अल्लाह वो नहीं जाता, वो जो दाखिल हो जाता वही कहते हैं। अल्लाह खुद नहीं आता है, ये अल्लाह के और जो जिससे तोफी की अल्लाह में। अब ये भी राज की बात जी है। जी आप देखना करोड़ों इंसान हो गए खरबों योम मैशर में जी। अल्लाह उनसे पूछेगा एक अल्लाह की जबान अगर एक होगी सबसे फर्द फर्द कैसे पूछेगा। ये तो मसला होगा, देखा उसकी एक ही जबान हो उसकी ये चीजें मखलूकें बेशुमार हैं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में बनाया ना जी, जो कुछ उसके अंदर है ऐसे इसके अंदर डाला है। बातें और कुफर की तरफ ले जाती है, समझ में ना पहले फतवे लगे हुए बहुत सारे नहीं तो यार इनके तो हवाले हैं ना, अल्लाह तआला फरमाता है हमने इंसान की ना अपनी सूरत में पैदा की, इसके तो हवाले हैं, आप ध्यान करें सर, ये तो कोई मसला नहीं है सर। नहीं वो जो असल अल्लाह वो तो ही है ना, लेकिन ये जुस्सा तौफीक अल्लाह जिसको बोलते हैं, अगर वो एक ही हो तो एक वक्त में एक ही फना फिल्ला वाला हो ना, कई क्यों होते हैं जी मुख्तलिफ। नहीं मुख्तलिफ क्यों होते हैं, एक ही हो जिसमें अल्लाह हो, दो हजारों मखलूक एक वक्त में होती है जिसमें अल्लाह होता है। सर जुस्सा तौफीक अल्लाह से यानी नूर ही मुराद लिया जाएगा ना यहाँ पे, नूर नहीं होता है बकायदा, अगर नूर है तो बोलते कैसे। हाँ जी वो नूर है, नूर है ना वो नूरी हो गया, बोलता कैसे है। जब बाजी बस्तमी रहमतुल्लाह बोले थे जी तो उन्होंने कहा था अब अगर कहूँ मुझे काट देना जी, तो काटा तो क्यों नहीं काटा, तो हमने काटा तुम कटे ही नहीं, बाजी जी तो हो गई नहीं जी। ये बात है ना वो नूर नहीं है, वो नूरी मखलूक है, मखलूक है पूरा वजूद है, पूरा वजूद है जिस तरह फरिश्ते वगैरह इस तरह पूरा वजूद है। ये हमारे जरासीम है करोड़ों खरबों जरासीम है जी जी, इनमें सिर्फ इतनी ताकत है अगर इनको अल्लाह अल्लाह पे लगा दो तो ये अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं जी जी। एक खरबों जरासीम है जी, इनमें इतनी ताकत है कि अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर, लेकिन ये जिस्म से निकल नहीं सकते जी, मखलूक नहीं बन सकते जी, सिर्फ हमारे जो जुस्से हैं वो जिस्म से निकल सकते हैं जी। तो वो जो अल्लाह ताला के अंदर जो है वो अगर हमारे अंदर खरबों पता नहीं कितने होंगे, उनमें ये ताकत है एक एक मखलूक बन के निकलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह सुभान। तो ये जो लोग कहते हैं ना ये देवताएं जी जी वो इन्हीं को समझते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं देवताएं ये, तो इसी बना पे ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं इस वजह से। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम किसकी उम्मत में? ये पहली उम्मत है बहुत पहली, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, अपने आदम के सिलसिले के साथ आदम है, अपने ऐसे अपने आदम अपने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की उम्मत में आता हो सकता है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दियो और वो अल्लाह के देते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो क्या अगर आप इसका सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक इशारा मिला था तस्वीर चाहिए कि वो अल्लाह के जिक्र से कल्ब का तल्लुक जुड़ता है और रूह से सात आलम से तल्लुक जुड़ता है, क्योंकि ये साथियों से बात नहीं की थी जब तक आपसे कोई नहीं। वो ऐसा होता ना जिस तरह जो शानदार बूटी है ना जी, इसको गर्म करते हैं और गोलियां बना लेते हैं, जो शानदार जरा टाइम लगता है उसमें गोली मुंह में ली पानी, लेकिन गोली मैदे के लिए नस में जाएगी ना, तो फिर टीका बना लिया ना उसी जशाने का उसी गोलियों का,
فوراً اس میں چلا جاتا ہے, اس کی تاثیر زیادہ نہیں ٹکے گی. جی اسی طرح اللہ کے جو چار لفظ ہیں, اللہ چار لفظ, پھر ان کو تین لفظوں میں لے جاتے ہیں للہ میں, اب چار لفظوں کی تاثیر تین میں چلے گی للہ میں. ٹھیک للہ کو لہو میں لے جاتے ہیں, پھر ان تین کی دو میں چلے گی, لہو کو ہو میں لے جاتے ہیں, ایک ہی رہی ہے, اس چاروں کی تاثیر ایک میں آ گئی. نہیں سمجھے, یہ چیز وہی اللہ ہی ہے نا, لیکن اس کو ٹیکہ بنا لیا جائے نا, ہے وہ اللہ سے نکلا ہوا ہے. جی یعنی وہ عرق ہے نا, عرق ہے نا, اب کیونکہ ٹیکے کی مانند ہے نا, لوگ ڈرتے ہیں نا, تم بھی بیمار ہو کہو ڈاکٹر کیپ سول دے دے لیکن ٹیکہ نہ لگا, یہی ہے ٹیکا سخت ہے نا, سوئی لگتی ہے, درد ہو, اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کر لو ہو نہیں کر لو ٹیکے, یہ بات ہے. لیکن ٹیکا لگنا بھی بڑا ضروری ہے جی, شفا جو ہے آج کل کے لوگوں کو ٹیکے کی ضرورت ہے, جلدی چاہیے ان کو شفا. صحیح ہے, چھٹے سلطان کی تصدیق امام مہدی کرے گا, جو کرے گا کہو گے امام مہدی. کیوں جی, تو پکی بات ہے یار, اس میں تو شک ہے ہی نہیں, امام مہدی کرے گا بس اس کی تصدیق. اس وقت مودی نہیں کرا, کوئی بھی تو پہنچ ہی نہیں. روس پاک تھے, ان کے صاحبزادے عبد الرزاق تھے جی, وہ بھی سلطان ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ جو وہ سلطان ہوئے روس پاک قرضہ کر کے. اچھا, لیکن یہ کیا بات دیے گا, وہ بھی ایک زمانے میں تھے. ہاں زمانے کی تو اس وقت کے جو سرکار پوتے ہیں حضرت حیات المیر جو ہے, تو وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکے یا ابھی؟ یہ تو نہیں پتا, سنا گھوم گھوم رہے ہیں ابھی گھوم رہے. ان کو تو سرکار پتا لگ گیا ہوگا کہاں ہے, پلے جانتا ہوگا. بہت ایسے راز ہوتے ہیں نا جی, پھر ملٹری کے راز کھل جائیں وقت سے پہلے ملٹری پریشان ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے نا جی, منصوبہ بیکار ہو جاتا ہے. صحیح, اسی لیے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں وقت سے پہلے کھول دیں, مناسب لگتا ہے تب کھل جاتا ہے, تو ملٹری خود بتاتی ہے ہم نے یہ منصوبہ آج سے اتنے سال پہلے بنا لیا تھا. جی جی, لیکن جب منصوبہ بناتی ہے تب نہیں بنا بتا بھی, وہ تو لیک ہو جاتا ہے. خدا خبر, سننا ہے کہ 99 تک سب کچھ ہو جانا, لیکن اللہ کی مرضی ہے, آگے کر دے پیچھے کر دے. اچھا جی, وہ تو قادر ہے نا. جی سر, بعض معاملات ایسے بھی کبھی ہوئے ہیں یعنی بادل میں ایک چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے, لیکن کسی وجہ سے یعنی وہ چیز اوپن ہو گئی یا دنیا کے اندر عام ہو گئی کہ بھی ایسا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا, ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جیسے سر ہم نے جو سنا یعنی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بزرگ جن کی پیشن ہوئی ہے, قیامت سے 40 سال پہلے جو ہے نا سمندر جو ہے نا وہ سندھ کو غرق کرے گا یعنی کراچی ڈوبے گا, ایسی جو ہے باتیں سننے میں مطلب عام لوگوں کے اندر جو ذہن میں ہے. لیکن یہ قیامت سے پہلے کا نا, جی جی جی, امام مہدی سے پہلے تو نہیں ہے نا, امام مہدی سے پہلے. جی سر, 10 سال امام مہدی نے حکومت کرنی ہے, 10 سال کا لیا, اس کے بعد 40 سال تک رہتا ہے رنگ اس کا, 40 سال تک. پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 22 میں قیامت کو آ جانا. اچھا جی, یہ شاید 2000 پتہ نہیں 22 کی طرح 26 سے شاید, لیکن اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 26 میں 30 سال تو رہ گئے نا. جی جی,
तो दस साल पहले ही सर कर दे, दस साल आगे ले जाइए, कर सकते हैं ना, तो करेगा ना, गलत तो खैर पक्का ये हो सकता है, इसको मरना है जी, ये है किसी वजह से तुम पाँच दस साल आगे हो सकते हो, तो अच्छा। मरना चाहिए ना, हाँ ये बात है, ये घर को होना है, घर को होना ही है ना, वहाँ ये है ना जिसको घर को होना, फिर आगे तावील है ना, चालीस साल की तो वहाँ से इंसान चला है ना, चालीस का चला है, चालीस के वहाँ से चला है शुरू से इब्तदा से, जी जी चालीस दिन ये चले गए लेके, चालीस दिन बच्चा हो जाए फिर चालीस दिन, ये सारे चालीस दिन का वहाँ से चला ना, तभी फिर कहते हैं कि चालीस साल, ये है कि पहले घर को हो जाएगा, फिर यहाँ से चला गया चालीस साल पहले घर को, और दीदारे लाएगी भी चालीस दिन भूखा, आपने किसी नाटक अर्शात फरमाया था कि उन हज़रत मुहम्मद अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होने से पहले आवाम को फैज़ दे देंगे और मतलब गुमनाम, मेरा मकसद जिस तरह हज़ूर पाक भी आवाम में फैज़ देती रहे, मैं बहुत से पहले भी जी अमीन सादिक के नाम से मशहूर थे, सरकार इस सवाल है कि हज़रत इमाम मेहदी आएंगे तो ये अंदर काम दूसरे हैं कि इमामत करेंगे, हाँ सवाल अगर इमामत कर भी तो क्या हर्ज, क्या मौका मिल जाए, क्योंकि हजूर पाक के बाद जो नबूवत का दर्जा ईसा अलैहिस्सलाम का, अच्छा जी इस बाकी जितने भी नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे, जी 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 अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने पीर मान लिया तो बाकी नबी नमाज पढ़ी तो क्या होगा, खाना काबा का मतलब आता है कि खाना काबा भी जो है मुसलमानों के कब्जे में नहीं रहेगा इमाम मेहंदी से पहले, या ये बात सही है यहूदी जो है ना उसको कब्जा कर लेंगे, अच्छा है तो फिर कैसे छोटेगा सर, जिसमें बैतुल मुक़द्दस पे कभी कब्जा हो गया उनका, क्यों वही जमाना होगा इमाम मेहंदी का, तो मन आ जाएगा इमाम मेहंदी वो दिखवा लेंगे, यानी उनकी तालीमात आपने जैसे फरमाया ऐसी होंगी कि हर मजहब उसको मोहब्बत से और प्यार से एक्सेप्ट कर लेगा, हर मजहब तस्लीम करेगा तब भी हर मजहब उनका साथ देगा ना, मौलवी ने तो बड़ा बोला नहीं सारे मौलवी तो नहीं, कुछ मौलवी आपसे भी होते हैं ना, अच्छा सारे मौलवी हो ऐसे हो जाए फिर मस्जिदें गर्क ना हो जाए, हक वाले भी मौलवी हैं नाहक भी बहुत हैं, तो मशहूरी साहब थे यहाँ ये भी मौलवी थे ना, काजमी साहब भी मौलवी थे ना, सुभान ये बड़े मरातब हैं अल्लाह के, सुभान सर इस वक्त मौलवियों में कौन है जैसे आलिम बामल के मतलब आपने फरमाया था ना कि काजमी शाह साहब ये मशहूरी साहब है इस जमाने हाल में, बहुत है नाम नहीं पता है उनके, अच्छा। नाम पता थे उनकी शक्लें देखी थी, नाम भी पता थे उनकी शक्लें देखी हुई लेकिन नाम का नहीं पता, अरे नाम जो पाकिस्तान में ही था, पाकिस्तान में बाहर मुल्कों में भी देखा बाहर में ही सगा जैसे कुतुब बाबा सगा इधर है मीरपुर खास के में और दो कुतुब का है, एक मुलाकात यार में थी खत्म हो गई उनके तो विशाल है, और इधर तो बात फिलिस्तीन की तरफ उसे पाकिस्तान में नहीं बाहर भी तो होते हैं ना, हाँ जी बाहर हुए एक तो इधर ही है ना एक इधर ही बस साल बाबा वो बकायदा कुतुब नहीं है ऐसे ड्यूटी दे रहा है, ड्यूटी दे रहे हैं अभी ये मसावी में से ही है ऑन ड्यूटी है, मसावी में से जैसे कुतुब चला जाता है ना पीछे दूसरे को अच्छा है मकाम बना ले कायम मकाम कुतुब मदार ये वो कोई और होता है वो और होता है वो क्या होता है ये एक जगह साकन होते हैं वो साकन नहीं होता घूमता रहता है, अच्छा तो इस पर रोशनी डालेंगे कि ये तो मुस्तनद है कि वो दज्जाल जो है वो आलिम दीन होगा मजाहिद, तो सुना है कि वो गोलिया शरीफ के दरबार से भी कोई नस्बत करता हो या वहाँ जाके कुछ अपनी करामत या इस्तदराज के जरिए रागब करेगा, इसके मतलब कुछ नहीं कर सकते कहीं देख चुके हैं तमाशा सारा, कुरान सात तरीकों से नाजिल हुआ है, ये कुरान में सात तरीकों से नाजिल हुआ है, सात
शरीर अच्छा किस तरह जुमला लिखा है राम के साथ गरीबों से नाजिल किया गया है। कुरान जो उतरा वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उतरा, उसको तो वही कहते हैं ना। आगे कुछ के बन गया हूँ तो लादा बात है, वैसे वो तो एक ही तरीके से किरात में बात कर रहे हैं, किरात में कुरान बात है तो ये तरीके से आ रहे हैं। किरात में किरात किरात और चीज़ है ना, तरीका और चीज़ है ना। किरात ने किरात को तरीका बना लिया ना, तरीका एक ही है। सरकार वो हजूर पास बताया वसल्लम की 40 साल जिंदगी जैसे नबूवत से कम पहले भी कुछ तो अल्लाह ताला उनको देता होगा 40 साल तक। किसको हजूर पास बताया वगैरह तो नहीं उनको रब्ता तो था, रब्ता तो था, लेकिन अगर अल्लाह ताला पहले दे देता तो आप पहले ही नबूवत का ऐलान कर देते ना, तो इन चीज़ों का वक्त होता है ना। कुरान पास के अलावा भी तो कुछ पता नहीं, वो हदीस है, कुछ हदीस है वो भी है, आपकी जुबान से बोली गई। जिस तरह ये हदीस कि मैंने इंसान को अपनी शक्ल पे बनाया जी, ये अब इसमें ये होता है ना, हदीस में कुरान में शक्ल होता है ना, अल्लाह ताला वहाँ से बात करता है जी आलाम के जरिए, वो बात सीधी दिल में आती है। जब दिल में आती है तो फिर वो दिखती है, इन आंखों को दिखती है, वो तहरीर दिखती है, जो तहरीर आती है। अगर वो बातल है तो इसमें नूर है दिल में, तो नूर उसको काट देता है, बना देता है। अगर वो नूरी है तो फिर और ज्यादा मुनव्वर हो जाता है, वहां से फिर वो कलब उसको इसमें सप्लाई करता है अगले तरीके में, इसमें उससे ज्यादा पावर है, कलब से ज्यादा। अगर वो बातल है ये उसको जला देता है, ये फिर उसको जुबान में भेजता है। अगर ये कंट्रोल नहीं करते फिर जुबान उसको दबाने की कोशिश करती है कि मैं इसको बोलूं नहीं। अगर वो हक है ना फिर यहाँ से चलता चलता फिर वही बात जो है ना जुबान से अदा होती है। सुभान अल्लाह, इसको एलाम कहते हैं वली के लिए, वली के लिए। अगर इसके साथ फरिश्ता है तो उसको फिर वही कहते हैं, वही बोलते। और ये नबी के ऊपर बगैर फरिश्ता का है तो वो हदीस बन गई। नबी के ऊपर हो बगैर फरिश्ते के जो ये बात आई है ना, आई है वो हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। और जो उसके साथ फरिश्ता आया ना वो कुरान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। वो इस टाइम बात वही है, बात वही है, वो हदीस तक कुछ की आती है, ये वो वही है ना जिसमें अल्लाह ने खुद मुखातिब किया ना। सुभान अल्लाह, मैंने इंसान, अब ये कुरान मजीद में तो नहीं है ना कि मैंने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया, तो कुरान में तो नहीं है ना, नहीं है। तो हदीस में ना, यानी वो दिल पे है ही जो आपके दिमाग में निकली ना। अब क्योंकि फरिश्ता नहीं था ना साथ, तो हदीस बन गई ना। वो सरकार नूर की शक्ल में नहीं, वहाँ से नूर दिल पे आता है, वहाँ से वो बात मुंह से निकलती है, फिर कातब आगे लिखता है। वरना आपके मुंह से जो भी बात निकले फिर कुरान हो ना जी जी जी, हदीस क्यों बनी है। सही बात है, हर बात कुरान होना चाहिए ना, फरिश्ते वाली कुरान बन गई बगैर फरिश्ते वाली हदीस। सर जिब्रील में भी जब हुजूर पाक के पास आते हुए बड़े खुश खुश आते हुए नहीं बता सकता। सुभान, बाद फरिश्तों में भी चिढ़ आ जाती है। कैसे जी? अल्लाह के आशिकों से। अच्छा, कैसे चिढ़ते हैं, जब दीदार को जाते हैं नीचे से चिढ़ते हैं। हजारों साल से अल्लाह कर रहे हैं, हम दिखते नहीं है तो इसको 10-15 साल हो गए, बार बार आ रहा बस वो चिढ़ते हैं, बार बार रिकावट करते हैं, नौकरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर ना जाए। हदीस में आता है कि हुजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह की नज़र में मोमिन का दर्जा फरिश्तों से अफजल है। सही बताया ना, फरिश्ते उसकी खिदमत भी लगा देते हैं अल्लाह, क्योंकि अफजल इस वजह से है ना, ये जो मोमिन होता है ना फरिश्ता एक एक ही रूह है। कभी सुना दो जी दही लगता हूँ, कभी इंसान के लिए सुनते हैं ना, एक ही वक्त में इंसान कितनी जगह मौजूद हो, ये सुनते हैं। ये मकान बनाया इसमें कई मखलूकें डाल दी,
فرشتے میں کوئی مخلوق ہے کی کی چیز اور جب یہ مخلوق ہیں وہ دو فرشتے لگا دیے اللہ اس کا حساب کتاب رکھو اب اس کا حساب کتاب وہ رکھیں گے ابھی جو کچھ کر رہا ہے کیوں دو ہیں ایک نیکی والا ایک بدی والا جب اس کی یہ مخلوقیں باہر نکل جائیں گی تو کوئی خانہ کعبہ میں تو کوئی حضور پاک کے روزے پہ وہ فرشتے تو ادھر ہیں کرامن کا آدمی تو وہ تو ادھر ہیں اب اس کے حساب کتاب رکھے ان کا رکھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب چھوڑے اس کو اب اس کے تم تو دو تو یہ تو پتہ 16 مر گئے پھر اس کا حساب کتاب زندگی میں ختم ہو جاتا وہ کاتی کتابت ہی ختم ہو جاتی بند کر دی جاتی تب آپ فرشتے عشق نہیں کریں گے اس کے آپ افضل کون ہوا پھر حضرت انسان حضرت انسان امام مہدی کا دور دنیا کے کس خطے سے پتہ نہیں ہے چلو بس کرو ہاں جی آؤ چلو آپ لوگ ملیے ایک منٹ ذرا سائڈوں سے خالی کریں تاکہ ہوا ہے اس طرف سے پہلے جو ہے وہ سیڑھی بنانی ہے تندور ہے نا اس طرح سے میرے کمرے میں آیا بٹ اندر سے ہو کے آتے ہیں اوپر آتے ہیں مجھے عورتیں آتی ہیں تو بار و بار سے ہی آتے میرے کمرے میں یہ بنانے کے لیے میں جاؤں گا آپ کب 16 17 بھائی یہ مبین الحق صاحب ہے یہ اپنا اسٹیل مل جو ہے نا سر وہاں رکھے یہ سلطان صاحب کے سلسلے جو ہے نا وہ پیر صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے یہ چلے گئے تھے کیا نام ہوں گے اصغر علی صاحب کل جو ہے ان سے میری ملاقات ہوئی سینٹر کے جو ہے نا ہسپتال میں دور کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ جب ذکر قلب میں جہاں سے تھا ہوگا تو میں تو ضرور سانس کا ذکر دیتے ہیں ہاں جی سانس سے سانس سے قلب دیکھتے رہے ہیں تم قلب سے سانس کی طرف آ گئے تو یہ مجھ سے کہہ رہے تھے یار میں کیا کروں یار تم اور آگے جاؤ تب نہ قلب سے روح کی طرف جاؤ سیری سب بن جاؤ تم کل اسے واپس سانس میں آ رہے اب یہ کسی اور کو پکڑا تو نہیں ہے میرے کو مطلب اگر میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں پتہ ہے کوئی تم نے اللہ کے لیے پکڑا ہے اللہ نہیں ملتا تم نے اللہ سے مطلب ہے کہیں سے حاصل ہو جائے یا پیر سے مطلب ہے پیر سے مطلب ہے اللہ سے مطلب ہے تو بے فکر ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا تعلق دل سے احساس سے نہیں ہے تو ہاں یہ پریشان تو میرا کہا چلو سب چلو آپ بتاؤ یہ بولے کہ مطلب قلب کا بھی جو ہے ذکر ملے گا روح کا بھی جو ہے ذکر چلتا ہے لتاف میں جائے کہوں اچھا جو کچھ اندر ہوگا ظاہر ہو جائے گا اس سے لتاف اسی وجہ سے جاری کی ہوا ہے ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا ان کے اندر ہوگا لتاف میں ظاہر ہو جائے گا چلو مسئلہ ہے بیٹھ گیا
नहीं ये तमाम ये सब तकलीफ है, पहले आपने कहूँ दिया था ये तो सही हो गया था आपके 3 रोज से वो, और सरकार डॉक्टर को दिखाया, हाँ डॉक्टर को दिखाया, दवाएं भी ले रहा हूँ। कल फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। सालों के बताओ तुम्हारी नहीं मानेंगे जैसे लंगोटी और मेरी का मानेंगे चलो। कराची खराबी है, इनकी बहन जो है ना, भेनोई जो है ना, बहुत मारते, तलाक देते हैं इनको, ना बहन को किसी ने फ्री करवाया है, कुछ तोड़ नहीं हो रही है। अच्छा अगरबत्ती ले जाओ, दो पैरी ले आओ, 3-4 फर्क पड़ा कौन मेरे को सड़क दिल्ली जिला बैठे पिछले घर में पूछ रहे हैं बड़े खतरनाक राज खुल रहे हैं, ये इसमें चले गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके पास ही है सर, बगैर इजाजत के कोई चीज़ नहीं मिली। तो वेद कर रहे थे, बोले मुझे जो वेद होना चाहते कैसे, और जो ताली बनना चाहते ताली बोले, मैंने हाथ रख लिया था चलता समझ। पहले जब अभी फर्क पड़ गया, पहले हर वक्त पानी सोचे थे ना, कभी कभी मस्ती आती है। हाँ जी बैठ अल्लाह तो
रोजाना अच्छा आदमी थकावट के अंदर सब थोड़े दिन नुकसान होने तो अखा चाह अखा सुख दिल करता तो दिल ही चला दिल में जाती है तो दिल में कसम तेज होती है उसके दिल में तस्वीर है उसके कितना अल्लाह मिला कड़ी कड़ी से करते तो चिट्ठी का अल्लाह ऐसी दुद्धा की रगड़ा लाने मक्खन बन जाने रगड़ा लगना बिजली पानी की रगड़ा लगना ना तो बिजली बन जानी अंदर जो रगड़ा लग रहा है अल्लाह बन गया ये रगड़ा लगा तो नूर बन गया ना नूर बन गया अंदर अंदर ही अंदर फैल गया थोड़े दिन अल्लाह नूर चला एक क्रम भी चला गई जिस तरह लोहे लोहे निस्पत है ना नूर ना निस्पत है और नूर ने गोला का वस्ते तो जिधर अल्लाह हो सी तो सब उधर हो जाता फिर जिधर भी वली हो जाती तो सन खुद दिल उधर फिर जाते उन्हें तो दिल कुछ भी नहीं पहचान ही कौन पा अंदर जो कुछ नहीं शराबी शराबी के पहचान सकता है वली वली की पहचान सही है नूर नूर की पहचान उसे एक काम करो फिर जिधर तो अंदर अल्लाह हो सी देखते अल्लाह अल्लाह हो रही है फिर दाता साहब जाना उत्थे भी अल्लाह इत्थे भी अल्लाह तेजी आ जाएगी हरकत पैदा हो जाएगी दूसरी दरबार पर जाना अगर उत्थे भी अल्लाह इत्थे भी अल्लाह और हरकत प्राप्त करके तेज़ हो गई फिर जिसे सुनने वाले वली है उसे चले जाना अगर उत्थे भी ये चीज़ हो रही होगी दाता साहब पर होगी फिर वली है बैठ हो जाएंगे अगर उत्थे जाके चीज़ नहीं होनी मेरे टकराव नहीं हो रहा इसका मतलब उसने अल्लाह नहीं होना ये बड़े को कसट हो जाती है अभी इसकी जगह जिक्र करने वाला गुमराह नहीं हो सकता नमाज पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है तलावत वाला गुमराह हो सकता है सारे फिर क्या तलावती ही ना नमाजी ही ना जी ओके एक दूसरे दुश्मन हो गए ना लेकिन जिक्र करने वाले दूसरे दुश्मन नहीं है तो गुमराह नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने रस्सी अल्लाह ने रस्सी कितने हाँ जी लेकिन अल्लाह ने रस्सी मजबूत ने पकड़ लो कितने रस्सी कितने नजर दुनिया नहीं हवे तो आदमी पकड़े ना लेकिन है इंसान ने अंदर है ना अच्छा जब अल्लाह शुरू हो जाएगी ना तो अल्लाह ने नूर ये तारा जी ना हाँ यह टेलीफोन है देखिए टेलीफोन अमरीका है जी तो रस्सी कितने लेकिन कनेक्शन है ना कनेक्शन है ये कनेक्शन बिजली का ना जी इस दुनिया का निज़ाम बिजली का उस दुनिया निज़ाम नूर का ना अल्लाह इधर नूर उसी उधर भी नूर उसी तो रस्सी कनेक्शन हो गया ना वो अल्लाह की रस्सी है ना भाई मिले हैं ना कनेक्शन अमरीका मिला लो हाँ मिला लो चीज़ है ना रस्सी है ना बिजली है और उधर नूर है तो जिसमें रस्सी पै गई ना तो कुछ गुमराह नहीं इसमें जिक्र लो तो किस्मत पैस लो बैत नहीं करना तो अंदर एक कसौटी पैस अगर जिक्र ना गर्मी पैदा हो रात सुन लगो उंगलियां कलम जिनू कम काज करे अभी जब तक दिल की धड़कन नहीं मिलना उसकी खुशी आने जिस धड़कन मिल जाती ना फिर समझ कामयाबी होगी तो धड़कना के लिए नहीं तस्ती दिल नहीं तस्ती है तो धड़कन के लिए नस नस नूर जाना है वजू हो या ना हो परवाह नहीं दिल ना वजू पानी नहीं अखा मन का पढ़ो दिल अल्लाह 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 बस तो इस समय मेरे ड्यूटी है मैं 24 घंटे अल्लाह 40 घंटे 24 घंटे आदमी अल्लाह ला करे तो अल्लाह ना मोहब्बत हो जानी है दिल ना मोहब्बत हो जानी है ना जी तुम्हारे दिल अल्लाह की मोहब्बत होगी अल्लाह तुम्हारे मोहब्बत करेगी को किसी का एहसान लहना नहीं है एक रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटाना है ना एक नेकी उस खर्च करो 10 नेकी तो सवाब देगा ना तो थोड़ी जी मोहब्बत करो तो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करेगा ना इसमें उसने मोहब्बत कर ली फिर के खाते रहते हैं तो फिर अगर कोई पीर ना हो तो हम भी खैर सरदार सुल्तान साहब ने इसमें लिखा है ना अपनी किताब नूर मिराज लिखे कि मुर्शिद कामिल जड़ा ने उसकी मतलब त्रै किस्म एक कामिल जात है कामिल ममात है कामिल हयात हयात एक होंदा ना जैसा सहज जिंदगी में चंदा जिंदगी बात खत्म हो जाती जी एक होंदा जरा जिंदगी से पता नहीं चलता जी सर जिंदगी से बात और सहज जारी हां जी
जिसने शाह की का लेना है। अच्छा जी, ये हिंदी की पता नहीं सी ना किसी ने, उस बाद फैल जारी हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तीसरा होंदा जो जिंदगी की फैज है जिंदगी बाकी बाद ही है तो काम का काम ही है सरकार। वो मतलब समझ रहे कि काम में मुश्किल पहचान दे रहे यही है कि आदमी को दिन जाना ना सत्ता से आना चाहिए अल्लाह के नाच होगा सब दिन में काम ले आ दिए ना। हाँ जी काम ले आ दिए काम ज्यादा दिख लो मैं एक नजर है अगर हुआ तो ना दिया है तेल पे बस तीली गाछ। अच्छा अल्लाह, अगर दिए ही नहीं पहले मिट्टी ने दिया बनाया ना फिर उसे तेल पाया ना फिर माचिस लगाया ना ये सात दिन फिर सात दिन। अच्छा अरे गल समझ नहीं आई वजह है कई लोग एकदम चल पैंदा कई सात दिन लग जाते सात दिन लग कई अल्लाह मनता ही नहीं फिर पाँच सात साल लग रहा। अल्लाह अगर सर फिक्र करो किसी से चार ही हो जाए फिर तो उसमें लोड नहीं है ना किसी जगह जान दी आदत तो नहीं रहती अवैसी फैस चल पैंदा अवैसी फैस। फिर हाँ अगर कोई कामल होया बड़ी चीज हुई तो उस पास हो जाएगा वरना किसी लिफ्ट नहीं देगा ना। अच्छा उसका दिल जाएगा नहीं किसी उठ ही जाएगा जिससे बहुत बड़ी हस्ती होगी फिर अवैसी फैस नहीं अवैस कर हजूर पाक को अवैसी जहरी फैस नहीं अवैस लेकिन सिलसिला जुड़ा तो है ना दिल का जी ये सिलसिला फिर गौस पाक जुड़ गया ना। सुभान अल्लाह गौस पाक का दाखिल ही मिली तुमने मैंने अल्लाह वो सिलसिला जुड़ गया बातों में हम उधर शर्त है सिलसिला जोड़ना बैत का पाँच ख्वाब हो जाए तो पाँच हजार हो जाए कई लोगों ने ख्वाब हो गई जी अब वो बकरा हारी डाकू से ना जहर की तो कोई नहीं जी सर कोई अरे वो बकर सदीक ने इन्होंने बैत किया ख्वाब किया जी सर तो मैं सिलसिला उधर जुड़ गया इन्होंने जहर की कोई नहीं कोई नहीं मकसद फैज पाना अल्लाह कितने ख्वाब नजरिए हो जाए किसी तरीके ना हो जाए नहीं आएगा ना अगर अल्लाह ने शुरू हो गई ये तो उनसे चल पाएगा ना फिर अगे बढ़ने वास्ते फिर पीर की जरूरत पड़ेगी ना जी जी वरना ये तो सिलसिला चल ही पाया लेकिन जब तक फिर पीर नहीं पकड़ेंगे ना फिर अगे नहीं जाएंगे ना। सरकार हूँ गल है जिस बंद का कलब जो जारी जिस जगह तो है तगड़ा तो कोई पीर नहीं ना लग सकता जिस कलब जो जारी होगा कलब से अगे भी आते हैं एक सूट चढ़िया होगा कोई होंगे सिर्फ क्लब जारी कर सकते हैं लताश जारी नहीं कर सकते। हाँ जी कई होंगे जो लताश भी जारी कर देंगे। अच्छा अगर किसी लताइफ वाले को कलब का फिक्र लग जाए फिर तो उनको लोड नहीं ना किसी लेकिन उसको क्या पता। हाँ ये देखो वो जो कसौटी की सजा किसने पता लग बंदे वो वही सलाह आदमी चलता तो पता गाड़ी की तरफ पहुँच तुम भी लोड लेना बस है ये गाड़ियाँ ये लोगों में दसम वास्ते हैं अल्लाह की दसम अस मुसलमान हैं बल्कि ये जो शहीदे हैं ना ये भी लोगों की दसम वास्ते हैं मत्थे से मेरा पा लेने लोगों में दसम वास्ते हैं ये जहरी इबादत है इस वास्ते हुक्म है जा जा तो जहरी लोगों की नमाज पढ़ कट्ठे साथ मिलते हैं लोग सारे बाद में दिल अल्लाह शुरू हो जाएगा ना किसी को खबर नहीं होगी तुम क्या कर रहे हो जो जी अल्लाह होएगा ना तो अल्लाह थोड़े जिसम साफ करेगा हर चीज़ को साफ करवा से कोई ना कोई चीज़ है ना दिल को साफ करना उसे अल्लाह का जिक्र है ना हर वक्त अल्लाह होएगा उससे जंग करेगा ना साफ साफ हो जाएगा जरा साफ शफाफ हो जाएगा ना तो अल्लाह ताला जी उस दिल पर नजर पेगी जरा साफ शफाफ चमक रहे हैं अल्लाह नु पाण का इरादा दिल जब तू बगैर छोड़ अल्लाह नु पाण की कोशिश करो कदे नहीं पा सकते बहुत बड़े तुझे आलम भी हो जाना बहुत बड़े तहज गुजार भी हो जाओ दिल तू बगैर अल्लाह नहीं पा सकते कुछ इतना पैदा खड़ा कर देंगे जो बंदी हो गया मर्जी हो गया वहाबी हो गया लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते अल्लाह तक वो पहुँचे जिन दिल हम दे पा रहे।
इस को इस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा एहसान कोई नहीं है जिसका जिक्र तुम्हें दसा गया। 99 नाम में एक नाम जाती असली नाम एक जी वो कहते हैं सफाती असं कहने सफाती नहीं नकली नाम है असली नाम अल्लाह है अल्लाह के नकली नाम है सारे अल्लाह यही वजह नकली नाम जिक्र करा उस तक पहुंच नहीं सके ना और जिन्हें उसने असली असली में पकड़िया तो उस तक पहुंचे ना सही गल सही इस गल तो बहुत गुस्सा कर देने लोग नकली क्यों कहते हैं जनाब नकल है ना जी है तो नकल ताकि कुरान मजीद भी नकल अगर तुसी कुरान मजीद पढ़ दे हो जी जी ये कागज़ लिखे हो अल्लाह ने लिख तो नहीं भेजे ना नहीं जी ये कागज़ से प्रेस जितना छापे आप उसमें निकली है ना तुसी भी नकली हो भी नकली जैसे लोग तुसी असली बनोगे ना नफ्स है ना तो नकली बना देता ना जी जी फिर पाक हो जाएगा नफ्स पाला तो तुम असली हो जाओगे ना अल्लाह असली इंसान होगा असली इंसान नहीं नकली हो अच्छा फिर तो उन्होंने असली कुरान मजीद मिलेगा ना जो हजूर पाक के सीने में बारे से सुभान अल्लाह वो असली वास्ते है ना अल्लाह नकली वास्ते अल्लाह ताला ने नकली वास्ते ही बनाना जिस जानवर वास्ते चारा बना छोड़े जी वो नकली वास्ते का बना छोड़े अरे ये नकलियां वासी काबा तुम इधर जाओ असली इधर थोड़ी जाते असली काबा बैतल मामूर है असली तो उधर जाते हाँ समझ आई सारी समझ आई उत्ते जी बोले शाह फरमाया काबे वाल ओ जाते जेड़े होंदे काम दे चोची जब तुम्हारे अंदर असल आ जाए ना तो यकीन करो एक काबा तुम्हारा तवाफ करे अल्लाह उसने किया है रब बसर बस इधर तवाफ किया इसने सुना होगा जी हां सुने तो इधर असली काबा बस गया ना इस काबे नु अल्लाह बना देना वो तो इब्राहिम अलैहि सलाम ने बनाया इंसान बहुत कुछ है अगर समझ आए अपने आप में अगर समझ ना सके तो फिर कुछ भी नहीं मर के मिट्टी होगी अगर समझ आए तो मर के भी वो जिंदा अगर बारह ने मर गए ना जिंदा ने फैल जा रही है लेकिन है कि सारी शाह जी है ना जिथे रस्ता स्टार्ट होता है जिथे गड्डी चलती है जिस पास में इब्तदा दिल है दिल है तो फिर ये अगर दिल तो गड्डी चल पी तो फिर सड़क पर जा रही है तो सड़क पर ये दरख्त वगैरह फुल फाल लगे ना फिर नमाजा कम आदि अगर नमाजा वगैरह नहीं ना तो फिर सुनसान रेगिस्तान गड्डी आ रही उसने नमाजा इदा दी कम आदि ने जिसने सही रस्ता मिल जाते वरना इस को बड़ी दाड़ियाँ तो काफा दी हुई सिखा दी हुई असला ज्यादा जरा हो रहा है ना सुनतान का हो रहा है जी तो अल्लाह सुनतान मिल जाएगा हाँ जी कहते कदर ही मिल दो सुनत की है जी चार का नमाज सुनत क्यों पढ़ दे अल्लाह ने भेजी ही नहीं है तो तुम कहते हो असि हजूर पाक की नकल कर रहे हैं यही कहते हो असं कहने कि हजूर पाक क्यों नमाज पढ़ गए वो किसी सुनत अदा कर दिया अल्लाह नमाज ही नहीं पढ़ता जी वो किसी नकल कर दिया जवाब ही नहीं साढ़े को तुम कहोगे कि हजूर पाक दी अदावा सुन हाँ जी यही कहते हो ना उन्होंने अदावा सुन सुनता बन गई सही बात असि कहने अदा किस लिए कम आती है जिसल यार तकदा हो भाई यार देखेगा सूर्य पाउडर कम आएगा ना यार नहीं देखे तो बैठी रहो ना कुछ वो कहना मैं दिलों में वेखना जिसल दिलों वेखेगा फिर थोड़ी सुनता कम आनी है उसने हो सकता है एक सुनने का सवाब 100 शहीदों के बराबर दे दे उसने जिसल देखे तो देखते ही नहीं फिर अदावा के किस काम ने ठीक है तुम जाओ अल्लाह करम कर रहे अगर अंदर सिलसिला जारी हो गया ना तो फिर असम इतला कहाँ से आयो कराची में थोड़े कराने वाले अपने घर में पेन वगैरह
आंखें बंद कर कितना अर्सा हुआ अल्लाह अल्लाह डेढ़ हो गया डेढ़ ताना गोली सरकार आप देखना जान लगती नहीं है तुम्हारी बुढ़ी की करना बच्चे कितने लाकर हो देखते हैं बंदोबस्त करना इन्होंने पहले काम पक्के किए थे बहुत सारे जन इजाफे कोठरी में हूँ जहाँ इरादा हो मुझे लाकर हो बस قرآن مجید میں ایک آیت ہے وال ذاکرینا وال ذاکرات وال خبیثینا وال خبیثات یہ بالکل بڑی لمبی ذاکروں کے لیے ذاکر اور خبیثوں کے لیے خبیث ورنہ پھر آپس میں ٹکرا رہا ہاں جی یہ کہیں گے ہم نے آستانے جانا اس نے کہا میں نے شرمی جانا گڑبڑ رہا ہو جی چلو ہاں جی چلو تبدیل ہو رہا आप इनको बुझवाए ना आप और क्या चलिए जी लेडीज सारी भाई साबिर भाई लेडीज फिल्म वगैरह बना रहे हैं ना अल्लाह अच्छा ये स्लाइड वगैरह चल रही है फिल्म हो गए चार को अभी टीवी पे जो ना बना रहे थे एक मिनट की जो ना टीवी प्रोड्यूसर वगैरह देखते हैं तो इनको सुना आपने जो ना फोन पे जो ना पहले एक बार जो ना ख्वाब ख्वाब वगैरह का पर्चा आपको दिया था आपने सुनाया था कि तुम्हें फकर गंद जो है मुबारक हो मंजूरी जो है तुम्हारी होगी तो मुबारक तो फोन पे आपने सुना इनको सुनाया था कि जो तरीकत के जिक्र है ना तुम वो किया करो तो उसकी जगह जगह तशरी का बजाय अल्लाह को लिल्ला किया करो अच्छा लिल्ला का जिक्र किया वो समझ में नहीं होता कि मेरा सब कुछ तेरे लिए अल्लाह अहिंदा वाले मेरा सब कुछ तेरे लिए तेरा भी कम हो जाती है अच्छा आम आम जो है वो अल्लाह करता है तरीकत वाले लिल्ला तरीका यही होता है हाँ इसी तरीके से हम बजाय अल्लाह के लिखेंगे लिल्ला लिखेंगे लिल्ला करते हैं अल्लाह ऊपर नहीं गया लिल्ला 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 धड़कना हो लिल्ला लिल्ला में लगा अच्छा सर ये मतलब आम दिनों के अंदर जो है लताइफ के जिक्र भी कर सकते हैं हाँ के साथ ये सिर्फ कलब का बदलता है ना बाकी वही जिक्र है ना ये नहीं ये वैसे अपने तय कर सकते हैं जिक्र लताइफ के खामोशी से महफिल के नहीं वैसे हाँ जब फोन पर सकते ये लंबा काम है ना किसी पढ़वाना है ना किसी आफत से प्रॉब्लम है आफत में दी मैंने सीखा नहीं पर तो मैंने दिया अपनी इजाज़त दे दी थी तो फिर बस ठीक है ना शुरू कर दिया चलो अब चले लेडीज चलो
बुला लो बाबा जी।